अब देखो अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया था लास्ट क्लास में। आज जो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो हेडिंग डालो वहां पे, सबसे पहली जो टर्म हम डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे करंट। अब देखो करंट को हम लोग डिफाइन क्या करते हैं, जब भी हम करंट की बात करते हैं करंट को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, करंट को हम डिफाइन कर रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब जैसे अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि यहां पे हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है, मान लो हमारे पास यहां पे कंडक्टिंग रॉड है और जिस कंडक्टिंग रॉड की बात कर रहे हैं इस कंडक्टिंग रॉड का यहां पे हमने कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया, तो जो भी रॉड है रॉड का यहां पे क्या है एरिया। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी रॉड है रॉड का मैंने यहां पे इस तरह से एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए। अब डेल्टा टी टाइम में हमें इस क्रॉस सेक्शन से मान लो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करता हुआ दिखाई देता है। अगर इस रॉड का हमने कोई क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया है और हम मान रहे हैं कि इस रॉड से क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो जो भी रॉड है इस रॉड में यहां पे हो रहा है फ्लो ऑफ चार्ज। कैसे हो रहा है चार्ज का फ्लो आगे वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास एक रॉड है, रॉड का कोई क्रॉस सेक्शन हमने लिया है और उस क्रॉस सेक्शन से चार्ज क्या कर रहा है, नॉर्मली फ्लो कर रहा है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर इस क्रॉस सेक्शन को, अगर इस क्रॉस सेक्शन को हम डेल्टा टी टाइम के लिए ऑब्जर्व करते हैं और डेल्टा टी टाइम में अगर हमें डेल्टा क्यू चार्ज पास करता हुआ दिखाई देता है तो जो भी करंट रहेगा उसको हम बोलेंगे एवरेज और एवरेज करंट का फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तुम लोगों की बुक में देखा होगा, 9-10 की बुक में कई बार क्यू बाय टी भी लिखा जाता है। तो क्यू वहां पे चार्ज है जो टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, लेकिन हम लोग जो सिंबॉल लेके चलेंगे वो सिंबॉल लेके चलेंगे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अच्छा एवरेज वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग डिफाइन कर चुके थे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम डेल्टा टी टाइम में मेजर करने जा रहे हैं, तो वहां पे हम किसकी बात करेंगे, एवरेज की बात करेंगे। तो जो एवरेज करंट रहेगा वो हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो ये हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब मान लो अगर हम इसी क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं स्मॉल टाइम के लिए, तो मैं लिख रहा हूं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अभी इस क्रॉस सेक्शन को हमने ऑब्जर्व किया था डेल्टा टी टाइम के लिए, मान लो इस क्रॉस सेक्शन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं स्मॉल टाइम के लिए, तो डेल्टा टी अगर टेंड्स टू जीरो होगा तो डेल्टा टी वहां पे हो जाएगा डीटी और स्मॉल टाइम डीटी में जो चार्ज पास करेगा वो स्मॉल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डीक्यू और डीक्यू बाय डीटी यही हमारा इंस्टेंटेनियस करंट होगा। क्लियर। तो हम लोग एक तो बात करेंगे एवरेज करंट की, दूसरी हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट की। एवरेज करंट हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा डीक्यू बाय डीटी। और ध्यान रखना जब भी हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे डीक्यू बाय डीटी, तो कई बार इसका साइन पॉजिटिव लेंगे, कई बार इसका साइन नेगेटिव लेंगे। अगर टाइम बढ़ रहा है और टाइम के साथ चार्ज भी बढ़ रहा है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर टाइम बढ़ रहा है और चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो वहां पर हम साइन क्या लेंगे, माइनस डीक्यू बाय डीटी। लेकिन ज्यादातर केस में हमें इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। तो करंट का मतलब क्या हुआ, करंट का मतलब हुआ कि किसी क्रॉस सेक्शन से पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो जब भी चार्ज पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करता है तो हम बोलते हैं कि वहां पे क्या सेटअप हो गया है, वहां पे सेटअप हो गया है करंट। अब देखो जब हम करंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट लिखो वहां पे करंट का डायरेक्शन,
और इसका जो डायरेक्शन होता है वो लिया जाता है मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज राइट की ओर जा रहा है तो वही डायरेक्शन वहां पे क्या होगा, करंट का होगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन होता है ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ध्यान है ये कन्वेंशन है डायरेक्शन के लिए, तो हम बोलते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन कहां चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं लेफ्ट की ओर, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगा। तो करंट का डायरेक्शन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसके ऑपोजिट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा उसके ऑपोजिट हम करंट क्या करेंगे, शो करेंगे। अब देखो जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और करंट का वहां पे डायरेक्शन भी होता है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे एक वायर है, मान लो यहां पे एक वायर है और वायर में करंट पास कर रहा है राइट की ओर, तो जब हम करंट की बात कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन स्टिल हम बोलते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी मेरी स्केलर है। क्योंकि 11 हमने पढ़ा था किसी भी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी तभी बोलेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन होगा और साथ में वो वेक्टर के लॉ को क्या कर रहा होगा, ओबे कर रहा होगा। अगर ऐसा होगा तभी क्वांटिटी को हम वेक्टर बोलते हैं। तो जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट को हम स्केलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन ये वेक्टर के लॉ को ओबे नहीं करता है। अच्छा, वेक्टर के लॉ को ओबे नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि मान लो हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, हमारे पास एक और वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है। या फिर ऐसा समझो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, और मैं बोलता हूं इन दोनों को ऐड करो। एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, और इन दोनों को ऐड करने पे हमेशा 7 आता है। हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक 3 दूसरी 4, और जब भी इसको हम ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा हमें क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। अगर हमेशा 7 मिल रहा है तो हमें मालूम है कि 3 प्लस 4 अगर 7 देता है तो ये स्केलर है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है अकॉर्डिंग टू सिंपल अर्थमेटिक। तो 3 प्लस 4 वहां पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं वेक्टर की, तो वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था, अगर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट याद होगा, रिजल्ट 1 से लेके 7 तक कुछ भी पॉसिबल है। तो अगर मैं 3 और 4 को ऐड करूंगा तो रिजल्ट 1 से लेके 7 तक कुछ भी पॉसिबल होगा। किस केस में, यह होगा वेक्टर के केस में। लेकिन 3 प्लस 4 अगर 7 दे रहा है तो इसका मतलब है कि यहां पे लॉज ऑफ वेक्टर एप्लीकेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी एक स्केलर की तरह बिहेव कर रही है। अब मैं अगर बोलता हूं कि यहां पे हमारे पास एक वायर है, यहां पे 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहां पे एक वायर है, यहां पे 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, और यहां पे एक और वायर लगा है, तो होता क्या है, जब भी हम करंट की बात करते हैं तो करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होना। और चार्ज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, इसका कभी लॉस नहीं होता है। इसका मतलब है कि यहां से अगर 10 कूलम चार्ज आ रहा है, यहां से 5 कूलम चार्ज आ रहा है, तो इसमें कितना जाएगा, 15 कूलम चार्ज जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहां पे करंट हमेशा 7 एम्पेयर निकलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तब तो इस जंक्शन पे चार्ज का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो चार्ज कंजर्वेशन से हम क्या बोलते हैं कि अगर यहां पे 3 एम्पेयर है, यहां पे 4 एम्पेयर है, तो यहां पे जो जाएगा वो जाएगा हमारा कितना, 7 एम्पेयर। क्लियर। तो जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर्स के लॉ को ओबे नहीं करता है, इसलिए हम बोलते हैं कि करंट हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर एसआई सिस्टम में यूनिट की बात करें
अगर हम एसआई सिस्टम में यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट क्या थी, चार्ज की यूनिट थी कूलम, और टाइम की क्या थी सेकंड। तो या तो हम कूलम पर सेकंड बोलते हैं या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पेयर भी। तो या तो हम कूलम पर सेकंड या फिर एम्पेयर या फिर सिंबल यूज करते हैं ए। और अगर इसके हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो करंट को हमने वन ऑफ द सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज माना था और उसके लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करते थे ए। देखो ए की नहीं वहां पे। तो सबसे पहली जो टर्म हमने डिफाइन करी है वो यहां पे डिफाइन करी है करंट। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज चार्ज अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे क्या हो गया है, करंट सेटअप हो गया है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा उसके ऑपोजिट वहां पे हम क्या करेंगे, करंट को शो करेंगे। क्लियर है इतना। फिर देखो आ गया, अच्छा देखो नेक्स्ट हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं वहां पे कि मान लो हमारे पास एक रॉड है और ये रॉड मेरी कंडक्टिंग है। तो मान लो यहां पे हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है और इस कंडक्टिंग रॉड के दोनों एंड के अक्रॉस हमने एमीटर लगा दिया। और इतना पढ़ा होगा तुम लोगों ने 9th-10th में कि ए मीटर जो रहता है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट की प्रेजेंस को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। अगर करंट पास कर रहा है, अगर करंट पास कर रहा है तो उस केस में ए मीटर वहां पे क्या कर जाता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है। अब होता क्या है, अगर तुमने कोई रॉड ली, अगर तुमने वहां पे कोई रॉड ली और रॉड के दोनों एंड पे, अगर रॉड के दोनों एंड पे हमने क्या कर दिया, ए मीटर लगा दिया, तो उस केस में ए मीटर जो रहता है वो नल डिफ्लेक्शन शो करता है। तो बताता है कि कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम यहां पे कोई क्रॉस सेक्शन लें, अगर यहां पे हम कोई क्रॉस सेक्शन लें तो किसी टाइम पे अगर यहां से मान लो 10 इलेक्ट्रॉन मान लो लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो उसी टाइम पे उतने ही इलेक्ट्रॉन तुम्हारे राइट की ओर जाने चाहिए वहां पे। क्लियर। जब यहां पे हमने रॉड के अक्रॉस एमीटर लगाया तो हमें करंट दिखाई देता है जीरो, करंट जीरो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये जो क्रॉस सेक्शन है इस क्रॉस सेक्शन से किसी डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है किसी टाइम पे जितना चार्ज राइट की ओर गया या जितने इलेक्ट्रॉन राइट की ओर गए उतने ही इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, लेफ्ट की ओर चले गए। इसका मतलब है कि इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज का नेट मूवमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखो चार्ज मूव क्यों कर रहा है, अभी अगर हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अभी मूव क्यों कर रहा है, तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि जिस कंडक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई भी कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम कहां लेके आ रहे हैं, मान लो एटमॉस्फेयर में लेके आ गए, तो जब इस कंडक्टर को एटमॉस्फेयर में लेके आएंगे तो एटमॉस्फेयर का वहां पे क्या होगा, कुछ टेम्परेचर रहा होगा। और होता क्या है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सराउंडिंग में लेके आते हैं तो होता क्या है, जितना टेम्परेचर सराउंडिंग का होगा उतना ही टेम्परेचर क्या होगा, उस कंडक्टर का बन जाएगा। अब कंडक्टर के टेम्परेचर के कारण इस कंडक्टर के पास अब काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT। यह हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कोई पार्टिकल गैस में, हमने पढ़ा है कि अगर कोई पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kT। के वहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी तुम्हारा वहां पे क्या है, टेम्परेचर है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ये जो कंडक्टिंग रॉड है उसमें यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन है जो एटम से क्या निकल के आ गए, एटम से बाहर निकल के आ गए। और जब एटम से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये तुम्हारा वहां पे क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा वहां पे।
तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल के आए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे तो एटम की जगह वहां पे क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। अब ये आयन जो है, ये आयन तो हमारे फिक्स्ड है, ये जो आयन है ये आयन तो हमारा अभी यहां पर क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन जिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास ये काइनेटिक एनर्जी है, और जब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी आती है तो काइनेटिक एनर्जी को अगले स्टेप में लिखो हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी के कारण इन इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड या वेलोसिटी आ जाती है, और उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो अगर हमने वहां पे कोई कंडक्टिंग रॉड ली है, अगर हमने वहां पे कोई कंडक्टिंग रॉड ली है, तो कंडक्टिंग रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। और क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर हम किसी भी कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से, थर्मल वेलोसिटी से। और ध्यान ना, ये वेलोसिटी स्मॉल नहीं होती है, ये वेलोसिटी बहुत लार्ज होती है। और इसकी अगर ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली होता है 10^6 मीटर पर सेकेंड, या फिर हम बोलते हैं 10^3 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में? तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से, थर्मल वेलोसिटी से, और थर्मल वेलोसिटी क्या है, बहुत लार्ज है। अब अगले स्टेप में तुम देखो यहां पे कि ये आयन है, यहां पे ये आयन है, फिर यहां पे देखोगे यहां पे तुम्हारा क्या होगा, आयन रहा होगा। अब मान लो यहां पे कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो बाहर निकला, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा ये अपनी कुछ थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो मान लो इसकी थर्मल वेलोसिटी क्या है, U1 है। और होता क्या है, अगर इस कंडक्टर को, इस कंडक्टर के ऊपर अगर हमने कोई फील्ड नहीं लगाई है, या फिर इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये अपनी इतनी थर्मल वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। अच्छा, कुछ टाइम बाद ये इलेक्ट्रॉन इस आयन से क्या करेगा, टकराएगा। और हमने पढ़ा है कि जब कोलिजन होता है तो कई बार एनर्जी के हम लॉस की बात करते हैं, लेकिन तुम ये बताओ मुझे कि अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन अभी चल रहा है थर्मल वेलोसिटी के कारण और यहां पे इससे टकराएगा, तो बताओ जैसे ही ये यहां पे टकराएगा, तो बताओ ये आयन अगर कुछ भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाए, ये इलेक्ट्रॉन अगर इस आयन से टकरा रहा है, और मान लो अगर इसने एनर्जी कुछ लूज करी, तो एनर्जी लूज करने के कारण ये आयन की एनर्जी बढ़ेगी, और आयन की एनर्जी बढ़ेगी इसका मतलब है कि कंडक्टर की एनर्जी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और बताओ ऐसा कभी होता है क्या, अगर हमने एटमॉस्फेयर में एक रॉड को लाके छोड़ दिया, अगर मान लो रूम टेम्परेचर सपोज करो 30°C है, अगर मान लो रूम का टेम्परेचर 30°C है, तो उस केस में जो रॉड रहेगी, रॉड का टेम्परेचर भी हमेशा 30°C होता है। ऐसा नहीं है कि रॉड का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब है कि रॉड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये एनर्जी लूज करेगा तो आयन एब्जॉर्ब करेगा, और आयन अगर एब्जॉर्ब करेगा तो फिर उस केस में जो मेटल रॉड रहेगी उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां से हमें यह चीज क्लियर होती है कि जो भी कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन अभी रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन जब भी ये इलेक्ट्रॉन टकराएगा ये अपनी स्पीड कुछ नहीं लूज करेगा, ये केवल क्या करेगा, ये केवल अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा सेम स्पीड से, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर टकराएगा, तो यहां कहीं फिर ये अपना पाथ क्या करेगा, चेंज करेगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली इस तरह से रैंडमली मूव कर रहे हैं, क्लियर। तो अगर हम किसी फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है। दो कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस रहता है इसको हम फ्री पाथ बोलते हैं। दो कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फ्री पाथ होता है, और हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या कर रहा है, चल रहा है।
फिर जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा कुछ टाइम बाद यहां टकराएगा, तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम रहता है उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? तो बिटवीन टू कोलिजन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम फ्री पाथ बोलते हैं, और कोलिजन का जो टाइम इंटरवल रहता है, दो कोलिजन के बीच का जो टाइम रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो हम लोग अब थ्योरी क्या दे रहे हैं, हम लोग अब थ्योरी दे रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन सभी रेंडमली मूव कर रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से? थर्मल वेलोसिटी से। इनका मोशन रेंडम है, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो वो केवल अपना डायरेक्शन क्या कर लेगा? चेंज करेगा, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? उतनी ही रहेगी। क्लियर? और ये ध्यान रखना है, अभी हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कब बंद हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बंद हो जाएगा जब काइनेटिक एनर्जी मेरी जीरो हो जाए। जब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हैं 3/2 kT, तो kT जो टेम्परेचर रहता है ये टेम्परेचर केल्विन में रहता है, और अगर टेम्परेचर केल्विन में हो गया इसका मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं -273°C की। अगर हम -273°C पे अगर इस मेटल को लेके जाएंगे तब जाके वहां पे थर्मल वेलोसिटी जीरो होगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का रैंडम मूवमेंट जो रहेगा वो क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि रैंडम मूवमेंट क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर हम टेम्परेचर घटाना स्टार्ट कर दें तो रैंडम मूवमेंट जो रहता है वो थोड़ा वहां पे क्या होता है? कम होने लगता है वहां पे। तो अभी अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अभी यहां पे क्या कर रहे हैं? रैंडमली मूव कर रहे हैं। अच्छा, हम जितने अगर हम किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, वहां पे ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, तो हम उस केस में क्या बोलते हैं? हम उस केस में बोलते हैं कि जो भी एवरेज वेलोसिटी है, और ध्यान ना, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? U1 + U2 + U3 till UN डिवाइडेड बाय N, ये हमारा वहां पे क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर? हमने जितने भी इलेक्ट्रॉन लिए, हमने जितने भी इलेक्ट्रॉन लिए उन सब इलेक्ट्रॉन की इनिशियली एवरेज वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। क्योंकि अगर इनिशियली एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, अगर इनिशियली एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तब तो उस एवरेज वेलोसिटी के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होगा? चलना स्टार्ट कर देगा। और इलेक्ट्रॉन अगर चलना स्टार्ट कर रहा है तब तो यहां पे क्या सेटअप हो जाएगा? करंट सेटअप हो जाएगा। समझना है, करंट कब बनता है? करंट बनता है जब किसी क्रॉस सेक्शन से चार्ज क्या कर रहा है? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियली कोई करंट नहीं है, इनिशियली कोई करंट नहीं है। इसका मतलब है कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी, यहां पे जो एवरेज वेलोसिटी होगी सभी इलेक्ट्रॉन की, वो यहां पे क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। क्लियर है इतना? अब होता क्या है, जैसे ही हम यहां पे इस कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं किससे? अब बैटरी से। अब इस कंडक्टर को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं विथ अ बैटरी। बैटरी का ईएमएफ कितना है? ई है। तो जैसे ही हम कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं विद बैटरी, तो बैटरी का अगर पोटेंशियल V1, इसका V2, तो ये एंड हायर पोटेंशियल पे, ये एंड लोअर पोटेंशियल पे। और होता क्या है, जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी अब इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देती है। ध्यान ना, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है। तो वो कंडक्टर की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में,
क्योंकि वहां पे हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की, लेकिन यहां पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, यहां पे चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहां पे ध्यान रखना, इस केस में कंडक्टर के अंदर वहां पे क्या सेटअप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। अब होता क्या है, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या अप्लाई करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। कितना फोर्स लगेगा, तो जो फोर्स लगेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उसको लिखो वहां पे माइनस ई इंटू ई। अच्छा, नेगेटिव साइन मैंने क्यों लिया है, नेगेटिव साइन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है वहां पर। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, अब हम लोग यहां पे बोलते हैं कि इस फोर्स के कारण, फोर्स को लिखो वहां पे मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है माइनस ई ई बाय एम। अब होता क्या है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब वहां पे एक्सेलरेशन आता है, और एक्सेलरेशन के कारण अब इसकी वेलोसिटी वहां पे क्या होती है, इंक्रीज करती है। इसकी वेलोसिटी या इसकी स्पीड वहां पे क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो अब हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की वेलोसिटी आएगी। एक वेलोसिटी आएगी किसके कारण, ड्यू टू टेम्परेचर, एक वेलोसिटी है थर्मल, और ये थर्मल वेलोसिटी आ रही है ड्यू टू टेम्परेचर, और इसके पास दूसरी वेलोसिटी आएगी, और ये दूसरी वेलोसिटी आएगी ड्यू टू ई। यहां पे हम बात कर रहे हैं ड्यू टू टेम्परेचर की, साथ में हम बात कर रहे हैं ड्यू टू ई की। इससे पहले क्या था, इससे पहले इलेक्ट्रॉन के पास केवल एक ही वेलोसिटी थी, और वो वेलोसिटी आ रही थी किसके कारण, केवल टेम्परेचर के कारण। लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करते हैं, तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास, अब इस इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की वेलोसिटी आ जाएगी, एक आ जाएगी थर्मल के कारण और दूसरी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा, तो इसके पास वेलोसिटी u1 नहीं होगी, इसके पास वेलोसिटी अब v1 हो जाएगी। अच्छा, फिर एक चीज और देखो, मैंने बोला कि अभी तक इसकी वेलोसिटी u1 थी, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 हो जाएगी। मान लो यहां से लेके यहां तक का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कितना है, tau1 है, तो tau1 मेरा वहां पे क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम हो गया वहां पे। अब ध्यान ना, अभी तक जो पाथ था वो ऐसा था इलेक्ट्रॉन का, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, बताओ उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा। अब देखो एक चीज और समझो, अगर मान लो कोई चीज बहुत तेजी से जा रही है, मान लो कोई चीज है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला, इसको ऐसा समझो, यहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन बहुत फास्टली ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जा रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर, क्योंकि ये वेलोसिटी बहुत लार्ज है, ये वेलोसिटी है 10^6 के ऑर्डर में। अब मैं बोल रहा हूं कोई पार्टिकल बहुत तेजी से जा रहा है, और उसके ऊपर सडनली हमने क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या कि इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा था, इलेक्ट्रॉन ऐसा चलना स्टार्ट कर देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फोर्स भी स्मॉल है। क्यों फोर्स स्मॉल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत लार्ज तो है नहीं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो चार्ज भी कैसा है, बहुत ही स्मॉल है। तो होता क्या है, ये पार्टिकल बहुत तेजी से मूव कर रहा है, तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये पार्टिकल बी पे ना जाके ये पार्टिकल कुछ ऐसे चला जाता है, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस रहता है उसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्लियर? तो ये जो डिस्टेंस रहेगा यहां से यहां तक का, वो मेरा क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। तो अब जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन अब ऐसा ड्रिफ्ट होके यहां टकराएगा, फिर ये ड्रिफ्ट होके थोड़ा यहां जाएगा, फिर ये ड्रिफ्ट होके, अब इसको कहां जाना है, इसको तो इधर की ओर ड्रिफ्ट करना है, तो फिर ये ड्रिफ्ट होके कुछ ऐसा जा रहा होगा वहां पर।
देखो है कि नहीं वहां पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को यहां पे जाना था, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की यहां पे ड्रिफ्टिंग हो गई। ड्रिफ्टिंग का मतलब ये हुआ कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ड्रिफ्टिंग का मतलब ये हुआ कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की ओर क्या कर रहा है, धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर रहा है। हम लोग थ्योरी में क्या बोलते हैं, हम लोग थ्योरी में बोलते हैं कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो अब इसके पास जो v1 वेलोसिटी होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, एक तो हम लिखेंगे थर्मल वेलोसिटी u1 जो पहले से थी, साथ में a एक्सेलरेशन के कारण जो वेलोसिटी आएगी वो हो जाएगा a इंटू टाउ वन। तो ये वेलोसिटी थी थर्मल के कारण, टेम्परेचर के कारण, ये वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। अब होता क्या है, जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहां पे टकराएगा, जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहां पे टकराएगा तो इस स्पीड के कारण, इस स्पीड के कारण जो काइनेटिक एनर्जी आई है उस काइनेटिक एनर्जी का वहां पर लॉस होता है और ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी अब ये आयन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ये आयन एब्जॉर्ब करेगा उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। समझ में क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जब भी हम कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जब भी हम किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो टाइम के साथ हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि अगर हम वायर को टच कर रहे हैं तो वायर क्या होता है, गर्म होना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी थ्योरी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन को फर्दर एनर्जी मिलती है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन टकराएगा ये अपनी एनर्जी क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा। कौन सी एनर्जी लूज करेगा, जो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मिली है, और जैसे ही वो एनर्जी लूज करेगा फिर से वो अपनी थर्मल स्पीड यू वन से क्या होगा, फिर से चलना स्टार्ट कर देगा। फिर ये यहां पर टकराएगा, फिर ये यहां पे टकराएगा, फिर ये अपनी एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। तो जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उस टाइम में वो फर्दर क्या करता है, एनर्जी गेन करता है, लेकिन कोलिजन के टाइम पे जितनी एनर्जी वो गेन करता है उतनी एनर्जी लूज कर देता है, जिसके कारण आयन का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट करता है और यही रीजन है कि वायर भी क्या होता है, हीट करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब है कि जितनी बार टकराते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जितनी बार आयन से टकराते जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जो भी वायर है वायर का टेम्परेचर वहां पे क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट कर देता है वहां पे। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, अगर हमारे पास एक ये इलेक्ट्रॉन था तो उसकी वेलोसिटी आई वी वन। अब देखो हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सेम नहीं होती है, हर इलेक्ट्रॉन की वहां पर वेलोसिटी सेम नहीं होगी, तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u2, u2 उसकी थर्मल वेलोसिटी थी, और दो कोलिजन के बीच में अगर वहां पे टाइम लगा tau2 तो ऐसा लिखेंगे वहां पे, ये थर्मल वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी किसके कारण आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और ध्यान ना, दो आयन या दो एटम के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं रहता है, ये डिस्टेंस हमारा क्या होता है, वेरी करता है। तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम अगर टाउ वन है तो हो सकता है दूसरे का वहां पर क्या रहा होगा, टाउ टू रहा होगा। अब ऐसे तो वहां पर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर हो जाएगा यू एन प्लस ए इंटू टाउ एन। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, तो अब देखो दो तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो अभी यहां पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ कंडक्टर। किसी भी टाइम पे इस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन एवरेज कितनी वेलोसिटी से चलते हैं उसी को वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, हमने क्या बोला इन सभी इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को वहां पर हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहां पर अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा तो कई बार मैं एवरेज वेलोसिटी को यहां पे लिखूंगा v1 प्लस v2 प्लस v3 टिल vn अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अब यहां पे जो एवरेज वेलोसिटी आती है वो यहां पे क्या होगी, सबकी वैल्यू पुट करो, एन से डिवाइड कर रहे हो तो चेक करो, यू वन प्लस यू टू टिल यू एन डिवाइडेड बाय एन माइनस, अब यहां पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा ई ई बाय एम, ये हो जाएगा टाउ वन टाउ टू टिल टाउ एन अपॉन एन। अब ध्यान रखना टाउ वन क्या था, टाउ वन एक इलेक्ट्रॉन का कोलिजन का टाइम इंटरवल था, टाउ टू क्या है सेकंड के लिए था, टाउ थ्री वहां पे क्या था थर्ड के लिए था, तो ये जो टाइम रहता है इसको अगले स्टेप में हम बोलते हैं एवरेज, इसको हम वहां पे बोलते हैं वहां पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब चेक करो ये तुम्हारी क्या है, यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन डिवाइडेड बाय एन, ये तो एवरेज वेलोसिटी थी इनिशियली, और इनिशियली जो एवरेज वेलोसिटी थी वो तुम्हारी वहां पे क्या थी जीरो थी, तो ये रिजल्ट हो गया जीरो, रिजल्ट आ गया माइनस ई ई बाय एम इंटू टाउ एवरेज। और मैंने क्या बोला, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसी को वहां पे हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला निकल के आता है, हम क्या मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ई ई बाय एम इंटू टाउ एवरेज। क्लियर पे, तो यहां पे जो हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल के आ रही है उसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला निकल के आ गया ई ई बाय एम इंटू क्या हो गया टाउ एवरेज। अब देखो दिक्कत क्या है यहां पे, कुछ बुक में देखोगे तो कुछ बुक में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला दिया होता है, और कुछ बुक में जो सॉल्व किया जाता है वो कुछ इस तरह से भी सॉल्व किया जाता है, जैसे कुछ बुक में वो क्या बोलता है, कुछ बुक में बोलता है कि मान लो इलेक्ट्रॉन पहले यहां पे था, इलेक्ट्रॉन यहां पे था और इलेक्ट्रॉन अभी इलेक्ट्रॉन को ऐसे जाना था यहां पे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या कर गया, ड्रिफ्ट कर गया। अब मान लो हम ये ड्रिफ्टिंग देख रहे हैं कितने टाइम में, मान लो हम एवरेज टाइम में देख रहे हैं, तो टाउ एवरेज मेरा वहां पे क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। हम क्या कर रहे हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, तो किसी अगर एक इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं तो उसने एवरेज टाइम में कितना ड्रिफ्ट कर गया, मान लो एवरेज टाइम में वो ड्रिफ्ट कर गया एल, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है उसको हम कई बार बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है उसको वहां पे कई बार बोल देता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो गया टाइम इंटरवल। देखो ऐसा बोलते नहीं, बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को यहां जाना था, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा एवरेज टाइम में, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में उसकी अगर ड्रिफ्ट एल हुई है तो वीडी वहां पे हो गया एल अपॉन क्या हो गया टाउ एवरेज हो गया। अब ये जो एल ड्रिफ्टिंग आई है, ये एल ड्रिफ्टिंग आई है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एल इक्वल्स टू फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल कोई इनिशियल जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जीरो, तो वहां पे लिख देता है वो यहां पे हाफ ए इंटू टाउ एवरेज का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, वीडी जो रहेगा, वीडी हो जाएगा वहां पे एल बाय टाउ एवरेज, तो इक्वेशन जो रहेगी, इक्वेशन हो जाएगी वहां पे वन बाय टू, एक्सलरेशन का मतलब क्या था, एक्सलरेशन का मतलब था ई ई बाय एम इंटू टाउ एवरेज। तो कुछ बुक में देखोगे, कुछ बुक में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये दी होती है, ये चीज ध्यान रखना है, एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की हम एवरेज वेलोसिटी निकालें, ये आगे हम लोग बोलते भी हैं थ्योरी में कि हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी निकालें या पूरे इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी निकालें, दोनों की वैल्यू वहां पे सेम निकल के आती है, लेकिन कुछ बुक में ये फॉर्मूला यूज किया जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और कुछ बुक में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कौन सा फॉर्मूला सही है, तब देखो होता क्या है, ये जब हमने रिलेशन डिराइव किया तो हमने कुछ अजम्पशन माना, ये रिलेशन जब हमने डिराइव किया तो वहां पे भी हमने क्या माना, कुछ अजम्पशन माना है,
लेकिन ये जितने भी रिजल्ट हैं, ये रिजल्ट सभी हमारे क्या है, एजम्पशंस पे हैं। अब देखो होता क्या है, हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, ये सब फॉर्मूले अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर या फिर f इक्वल्स टू m इंटू a। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं जिन पार्टिकल्स की, तो वो पार्टिकल बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं। अगर इसको हम कंपेयर करें लाइट की स्पीड से, तो ये कंपेरेबल है। और होता क्या है, जब कोई पार्टिकल इतनी ज्यादा स्पीड से चलता है, तो बेसिकली वहां पे हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं। कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स के इंट्रोडक्शन में, दो तरह की फिजिक्स चलती है, एक होती है क्लासिकल और दूसरी होती है क्वांटम। क्लासिकल फिजिक्स क्या है, क्लासिकल फिजिक्स है जो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मान लो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई बॉडी है, बॉडी को हमने छोड़ा, बॉडी नीचे जा रही है ना, फिर बॉडी है, बॉडी पे हमने फोर्स लगाया तो बॉडी आगे जा रही है। तो जब हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं, तो वहां पे जो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसा हो रहा है रियल लाइफ में, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वहां पे क्या किया, कुछ लॉज दिए। न्यूटन के फर्स्ट लॉ आया, न्यूटन का सेकंड लॉ आया, थर्ड लॉ आया, तो इस तरह से वहां पे हमने डिफरेंट डिफरेंट लॉज दिए। तो वो जो लॉज रहते हैं वो लॉज क्लासिकल फिजिक्स के हैं। वहां पे हमने जो चीज ऑब्जर्व करी उसके अकॉर्डिंग हमने लॉज क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए। लेकिन जब कोई पार्टिकल बहुत ज्यादा स्पीड से चलना स्टार्ट कर देता है, तो वहां पे हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, और क्वांटम फिजिक्स में फिर ये जो रिजल्ट्स रहते हैं वो एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं, है कि नहीं। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस की अगर बात करें, तो बेसिकली यहां पर क्वांटम फिजिक्स क्या है, एप्लीकेबल है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन लेके अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें केवल ध्यान फॉर्मूले पे नहीं रखना है, हमें केवल ये देखना है बेसिकली कि दोनों चीज की अगर बात करें, तो यहां से भी तुम देखोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है, यहां से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। यहां पे भी अगर हम बात करें तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाउ एवरेज है। तो हमें फॉर्मूले पे नहीं जाना है, हमने अजम्पशंस लिए हैं, और ये जो अजम्पशन ये ग्रॉस है, ग्रॉस अजम्पशन हमने लिया है। तो उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग हम बेसिकली ये समझ पा रहे हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, और डायरेक्टली डिपेंडेंट है टाउ एवरेज पे, इसके अलावा और कुछ हम बोल नहीं सकते। क्लियर। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो कुछ लोग इसको यूज करके चलेंगे, कुछ लोग इसको यूज करके चलेंगे, लेकिन जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कभी भी इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये प्योरली जो रिजल्ट आता है, ये प्योरली रिजल्ट आया है वहां पे किससे, एजम्पशंस से। अगर हम रेस्निक हेलिडे बुक को देखेंगे, तो रेस्निक हेलिडे में ये वाला एजम्पशन दिया हुआ है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ई बाय एम एक्सेलरेशन इनटू टाउ एवरेज। लेकिन अगर हम एससी वर्मा या और कोई राइटर को फॉलो करेंगे, तो वहां पे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला देता है। तो दोनों ही फॉर्मूले दोनों ऑथर ने क्या किए, अपने अपने एजम्पशन लगा के करे हैं, और वहां पर हम थोड़ा क्लासिकल फिजिक्स को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स यहां एप्लीकेबल नहीं है, यहां पर एप्लीकेबल है क्वांटम फिजिक्स। तो हमें बेसिकली केवल यह आइडिया लेके चलना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ एवरेज है। तो हम लोग फॉर्मूला कोई सा भी ले सकते हैं, हम लोग अभी जो फॉर्मूला लेके चल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो लेके चल रहे हैं हम लोग वी डी इक्वल्स टू क्या लेके चल रहे हैं, ई बाय एम इंटू टाउ एवरेज। तो अभी हम लोग जो रिजल्ट डिराइव करेंगे, तो वहां पे हम ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लेके चलेंगे। क्लियर वहां पे। अब नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा एक चीज और समझ लो जरा यहां पे आगे बढ़ने से पहले, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत स्मॉल होती है। अगर हम थर्मल वेलोसिटी की बात करें, तो थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर होता है 10^3 किलोमीटर पर सेकेंड या 10^6 मीटर पर सेकेंड, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ये 10^-3 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि थर्मल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है। तो इसको हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, और ये मोशन टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। तो कंडक्टर के अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मॉलिक्यूल्स ऐसे समझो कंडक्टर के अंदर गैस फिलअप है,
एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर गैस फिलअप है और कंटेनर में मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं, और साथ में हमने इस कंटेनर को एक ट्रॉली पे रख दिया है और इसको हम राइट की ओर मूव करा रहे हैं स्लोली। तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल का रैंडम मूवमेंट तो बना हुआ है और साथ में ये मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, समझ में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन भी कुछ इसी तरह से होता है। ऐसा नहीं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है। हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट भी है, साथ में क्या है, थर्मल है, थर्मल खत्म नहीं हुआ है। थर्मल खत्म कब होगा, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कराते जाए। तो यहां पे हम क्या बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं चल रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो ऐसा ऐसा रैंडमली चलता जाता है, इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है, साथ में धीरे धीरे वो कहां जा रहा है, लेफ्ट की ओर जा रहा है। तो अब अगर तुम कोई क्रॉस सेक्शन लोगे तो अब इस क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चलना स्टार्ट कर देंगे और उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को वहां पे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम करंट की बात करेंगे तो करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, और जो भी चार्ज है वो चार्ज ड्रिफ्ट कर रहा है, और चार्ज अगर ड्रिफ्ट कर रहा है तो एक्सप्रेशन में हम वीडी की बात करेंगे, हम वहां पे थर्मल वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, वहां पे एग्जाम में पूछा भी जाता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं यहां पे टेम्परेचर को डिक्रीज करा दूं, यहां पे मान लो टेम्परेचर T1 है, अब मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज करा दिया, तो टेम्परेचर को डिक्रीज कराओगे, ध्यान रखना रैंडम मोशन थोड़ा कम हो जाएगा, फिर ऐसा ऐसा होगा, फिर ऐसा जा रहा होगा, और टेम्परेचर हम डिक्रीज कर दें तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा जाने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखना जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज कराते जाएंगे रैंडम मोशन क्या होगा, कम होते जाएगा, लेकिन जो ड्रिफ्ट रहेगा, ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअसली क्या होगा, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब नेक्स्ट वहां पर हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट वहां पे हेडिंग डालो वहां पे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम बात कर रहे हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अब रिलेशन क्या है। तो अब देखो वहां पे, और हमने थ्योरी दे दी कि जो भी इलेक्ट्रॉन है सबकी एवरेज वेलोसिटी वीडी है, और एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो मान लो यहां पर हमारी एक कंडक्टिंग रॉड है, और इस कंडक्टिंग रॉड को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, इस कंडक्टिंग रॉड को हमने कनेक्ट कर दिया विथ अ बैटरी, बैटरी का ईएमएफ ई। मान लो इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, इस कंडक्टर की लेंथ है वहां पे एल। अब ये एंड तो हो गया हायर पोटेंशियल पे, ये एंड हायर पोटेंशियल पे, ये एंड लोअर पोटेंशियल पे, तो इसके कारण वहां पर सेटअप हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, यहां पे अगर हमने कोई क्रॉस सेक्शन लिया, अगर हमने यहां पे कोई क्रॉस सेक्शन लिया तो इस क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अब लेफ्ट की ओर मूव कर रहे होंगे, कितनी वेलोसिटी से, सबकी एवरेज वेलोसिटी वीडी। अब यहां पे हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक के पीछे एक है, ऐसा मान के चल रहा है वहां पर। अब होता क्या है, अगर मान लो हम इस क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं, अच्छा एक चीज और लो वहां पर, एक टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं सबसे पहले n, n को हम डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, n को हम डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n वहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये है पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और ये इलेक्ट्रॉन अभी क्रॉस करना स्टार्ट कर रहे हैं t इक्वल्स टू जीरो पे। अच्छा, डेल्टा t टाइम बाद अगर देखोगे तो डेल्टा t टाइम बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां तक आ चुके होंगे क्रॉस करके, यानी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं डेल्टा t टाइम में। तो डेल्टा t टाइम में देखोगे तो ये जो पहला इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पहुंच गया होगा और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा vd इंटू डेल्टा t। देखो है कि नहीं, वहां पे t इक्वल्स टू जीरो पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ है, t इक्वल्स टू जीरो पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ है। अगर हम डेल्टा t टाइम की बात कर रहे हैं तो डेल्टा t टाइम में, अगर हम डेल्टा t टाइम की बात कर रहे हैं तो डेल्टा t टाइम में इलेक्ट्रॉन कितने आगे बढ़ गए हैं, बढ़ गए vd इंटू डेल्टा t। इसका मतलब है कि ये सभी चार्ज पार्टिकल यहां पे क्रॉस कर गए और अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन पीछे रहे। हम बात कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन की जो क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा, अब ये वॉल्यूम कितना होगा, तो मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो यहां पे जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ और ये हो जाएगा VD इंटू डेल्टा T। अब इतना वॉल्यूम का चार्ज पास कर चुका है। अब मैं अगर चार्ज पार्टिकल की बात करूं कि यहां पे कितने चार्ज पार्टिकल क्रॉस कर गए हैं, तो हमें मालूम है कि यूनिट वॉल्यूम में N चार्ज होता है, यूनिट वॉल्यूम में N इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर ये वॉल्यूम होगा तो यहां पे हो जाएगा n इंटू ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी। ध्यान, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है e। देखो आया कि नहीं आया, पहले हमने कैलकुलेट किया कितना वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम में इतने चार्ज पार्टिकल होंगे। अब एक चार्ज कितना होता है, e होता है। तो देखो ये टोटल चार्ज हुआ कि नहीं हुआ वहां पे, और हमें मालूम है कि अगर डेल्टा q चार्ज पास कर रहा है डेल्टा t टाइम में तो रिजल्ट हो जाता है n a v d इंटू e, और यही हमारा एवरेज करंट का फॉर्मूला है। तो जो भी एवरेज करंट होता है उसका फॉर्मूला होता है n a v d इंटू e। तो ये तुम्हारा वहां पे क्या है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वहां पे रिलेशन है। ध्यान ना, VD वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, A हो गया एरिया। कौन सा एरिया, वो एरिया जिससे चार्ज क्या कर रहा है, नॉर्मली पास कर रहा है, और N वहां पे क्या है, N वहां पे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है उस मेटल के पर यूनिट वॉल्यूम में। अच्छा, अब बताओ मुझे यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो हमने रिलेशन पढ़ा है कि e को हम क्या लिखते थे, e को हम लिखते थे v by d, तो ये हो गया v by l। अब अगले स्टेप में क्या होगा, जो भी करंट है, करंट का फॉर्मूला हो गया n a into e। अब vd की जगह क्या पुट कर सकते हैं, vd की जगह वी कैन पुट e by m into tau average। देखो है कि नहीं, वहां पर अगले स्टेप में जो करंट रहेगा वो हो जाएगा एन ए स्क्वायर बाय एम, एन ए स्क्वायर बाय एम इंटू टाउ एवरेज, और ई की जगह अब क्या पुट कर दो, ई की जगह पुट कर दो वी बाय एल। देखो है कि नहीं है, एन ए स्क्वायर ई, एन ए स्क्वायर बाय एम टाउ एवरेज, ई की जगह पुट कर दो वी बाय एल। अब पूरी टर्म को उधर लेके जाओगे तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू हो जाएगा i इंटू एम इंटू एल अपॉन एन ए स्क्वायर इंटू टाउ एवरेज। अब ध्यान, v क्या है, v यहां पे इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और i वो करंट है। ध्यान, इलेक्ट्रॉन ऐसा चल रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा चल रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगा। और ध्यान रखना, ये चीज आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि जब भी हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी हमेशा है सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट करंट। तो करंट हमेशा मेरा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा वहां पे। तो अब बताओ, अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है
और कंडक्टर से करंट पास कर रहा है आई, तो ओम्स लॉ क्या डिफाइन करता है? ओम्स लॉ डिफाइन करता है कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लिखते थे आई इंटू आर, और आर वहां पे उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस था। और रेजिस्टेंस करता क्या है? रेजिस्टेंस जो है वो चार्ज के फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है। देखो ओम्स लॉ में इतना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नाइन टेंथ में हमने, नाइन टेंथ में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी कंडक्टर से चार्ज पास करने की कोशिश करता है तो कंडक्टर चार्ज के फ्लो को अपोज करता है, और ये जो अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है उसी को वहां पे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से कंपेयर कर दो, और दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो बताओ रेजिस्टेंस कितना निकल के आ रहा है? रेजिस्टेंस निकल के आ गया तुम्हारा एम एल, रेजिस्टेंस कितना निकल के आ गया? रेजिस्टेंस निकल के आ गया एम एल एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ एवरेज। देखो है कि नहीं है वहां पे? देखो इतनी वैल्यू बन रही कि नहीं बन रही वहां पे? जो भी रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया एम एल एन ए ई स्क्वायर बाय टाउ एवरेज। अच्छा बताओ एल वहां पे क्या है? एल वहां पे लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ तो वेरी कर सकती है। ए क्या है? ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो भी क्या करेगा? वेरी करेगा वहां पे। अब एम वहां पे क्या है? एम वहां पे इलेक्ट्रॉन का मास था, देखो है कि नहीं वहां पे? ई वहां पे चार्ज था, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टाउ एवरेज है। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं? अगले स्टेप में हम लिखते हैं आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। तो रेजिस्टेंस का हम लोग फॉर्मूला देते हैं रो एल बाय ए, और रो जो रहता है रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? रो को हम डिफाइन कर रहे हैं रेजिस्टिविटी। और जो भी रेजिस्टिविटी होगी, जो भी रेजिस्टिविटी होगी उसका फॉर्मूला हो जाता है वहां पे एम, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा एम एन ई स्क्वायर इंटू टाउ एवरेज। देखो है कि नहीं वहां पे? आर का मतलब हो गया एम एल एन ए स्क्वायर टाउ एवरेज। हमने रो को क्या बोल दिया? रो को बोल दिया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज। अब ध्यान, एन यहां पे क्या है? एन है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, एन जो है एन है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्यों हम बोल रहे हैं? अगर मान लो हमने कॉपर का, कॉपर लिया, तो कॉपर का जो यूनिट वॉल्यूम होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ एटम्स अलग होंगे, समझ में? अगर हम कॉपर का, कॉपर की रॉड ले रहे हैं, एल्यूमिनियम की रॉड ले रहे हैं, जिंक की रॉड ले रहे हैं, तो बताओ सबके यूनिट वॉल्यूम में, सबके यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग प्रेजेंट होंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो एन जो रहता है, एन किस पे डिपेंड करता है? मेटल पे डिपेंड करता है। कॉपर लेंगे तो एन अलग होगा, जिंक लेंगे तो अलग होगा, एल्यूमिनियम लेंगे तो अलग होगा। सिमिलरली टाउ एवरेज जो है वो यहां पे क्या है? वो है दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल की एवरेज वैल्यू। देखो है कि नहीं वहां पे? तो अगर हम बात कर रहे हैं कॉपर की, तो वहां पे एटम के बीच की जो स्पेसिंग होगी और जो एल्यूमिनियम में एटम के बीच की स्पेसिंग होगी, बताओ वो सेम होगी क्या? वो स्पेसिंग भी अलग अलग होगी। तो हम बोलेंगे टाउ एवरेज जो है वो अगेन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो यहां से हम क्या बोल देते हैं? बाकी एम और ई स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, कोई मटेरियल यूज करो। तो यहां पे हम बोल देते हैं कि जो रो रेजिस्टिविटी है वो हमेशा मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर हम मटेरियल को चेंज कर रहे हैं तभी रो चेंज होगा। अगर हम कॉपर का ही वायर ले रहे हैं, एक कॉपर का वायर लिया, दूसरा कॉपर का वायर लिया, तो रेजिस्टिविटी वहां पे सेम होगी, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है मटेरियल पे। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, अगर हम बात करें यहां पे अब रेजिस्टेंस की, तो अब तुम क्या बोलोगे? रेजिस्टेंस जो है वो मेनली तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो डिपेंड कर रहा है किस पे? मटेरियल पे। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? दूसरा डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए वहां पे क्या हो गया? ए हो गया एरिया ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब है कि जो भी वायर हम यूज करने जा रहे हैं,
जो भी वायर हम यूज करने जा रहे हैं, वायर का जो रेजिस्टेंस है, वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे, लेंथ पे, और साथ में किस पे डिपेंड कर रहा है? रो पे, है कि नहीं? इनमें से अगर कोई चीज चेंज होगी तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड कर रहा है ज्योमेट्री पे, ये चीज हमें क्लियर है कि एरिया कम कर देंगे तो क्या होगा। जैसे यहां पे देखो, रेजिस्टेंस रो एल ए पे डिपेंड कर रहा है। मान लो हमने वायर लिया, उसका एरिया को कंप्रेस कर दिया, छोटा कर दिया, तो एरिया छोटा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जाने की कोशिश करेंगे, कोलिजन ज्यादा होगा, और कोलिजन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस वहां पे क्या होगा, बढ़ जाएगा वहां पे। सिमिलरली अगर हम लेंथ बढ़ा दें तो क्या होगा, एरिया को हम घटाएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। लेंथ बढ़ा दे तो क्या होगा, लेंथ अगर बढ़ाओगे तो फिर कोलिजन ज्यादा होंगे पाथ में, ज्यादा होंगे पाथ में तो रेजिस्टेंस फिर से क्या होगा, बढ़ जाएगा वहां पे। अब जब हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो डिपेंड करता है एम पे, ई स्क्वायर पे, टाओ एवरेज पे, तो मेनली टाओ एवरेज है। अगर मान लो हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, मान लो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करा रहे हैं, बताओ टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे, ध्यान रखना, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में? एरिया कम करोगे, एरिया कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाओगे तब भी रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैंने क्या बोला, टाओ कम हो जाएगा, टाओ कम होगा तो रो बढ़ जाएगा, और रो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है मटेरियल पे, लेंथ पे और एरिया पे। इनको अगर चेंज करोगे तो वायर का रेजिस्टेंस वहां पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, हमने जो एरिया कंसिडर किया है वो कौन सा एरिया लिया है? हमने ये वो एरिया लिया है जिससे चार्ज नॉर्मली क्या हो रहा है, पास कर रहा है। जिससे चार्ज नॉर्मली पास हो रहा है वो एरिया मैंने वहां पे क्या किया है, कंसिडर किया। जैसे देखो, इन्हें अगला जो लेक्चर आएगा ना, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, बेसिकली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, और साथ में हम कुछ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। अभी मैं केवल एक चीज दे रहा हूं तुम्हें कि जैसे मान लो हमारे पास एक क्यूबॉइड है, मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं वहां पे, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये सब चीजें। जैसे बोल रहा हूं कि यहां पे एक रॉड है, मान लो रॉड की लेंथ एल है, विड्थ बी है, हाइट कितनी है, एच है। अब मैं बोल रहा हूं कि इस रॉड में चार्ज ऐसे पास कर रहा है, करंट ऐसे पास कर रहा है। इस रॉड में अगर करंट ऐसे पास कर रहा है, इसको बोलो 1-1। तो कई बार ऐसा ही पूछता है कि 1-1 के अक्रॉस कितना है रेजिस्टेंस, तो हम बोलेंगे 1-1 के अक्रॉस रेजिस्टेंस हो जाएगा रो। अब एल क्या है, एल वो लेंथ है जिसके अलोंग चार्ज चल रहा है, तो यहां पे हो जाएगा एल। एरिया कौन सा लिया जाएगा, एरिया लिया जाएगा बी इंटू एच। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि करंट ऐसा जाए, तो इसको बोलो 2-2। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2-2 के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है, तो मटेरियल तो वही है। अब मैंने क्या बोला, एल वो लेंथ है जिसके अलोंग चार्ज चल रहा है, तो चार्ज किसके अलोंग चल रहा है, एच के अलोंग चल रहा है। किस एरिया को नॉर्मली क्रॉस करेगा, तो इस एरिया को नॉर्मली क्रॉस करेगा, तो यह हो जाएगा एल इंटू बी। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे पास करें करंट, इसको बोलो 3-3। तो कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि 3-3 के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है, तो अगर 3-3 के अक्रॉस रेजिस्टेंस चेक करोगे तो वो हो जाएगा रो। अब कौन सी लेंथ लेंगे जिसके अलोंग चार्ज चल रहा होगा, तो वो हो जाएगा बी। एरिया कौन सा लिया जाएगा, एरिया आगे वाला लिया जाएगा, और एरिया हो जाएगा एल इंटू एच। तो इस तरह से वहां पे हम रेजिस्टेंस क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? ये थ्योरी क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तुम्हें? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक तो तुम्हें थ्योरी पढ़ के देखनी है,
करंट का जो फॉर्मूला है कैसे आया है वो डिराइव करके देख लेना एक बार तुम लोग, इस थ्योरी को एक बार अच्छे से पढ़ लो। अगले टर्न पे हम क्या करेंगे, अगले टर्न पे पहले तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे जहां पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिजल्ट को यूज करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन लेंगे जहां पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे, और कुछ क्वेश्चन लेंगे जहां पे हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, है ना। बाद में हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी ले लेंगे कि लेंथ को बढ़ा दिया, एरिया को घटा दिया कुछ परसेंटेज से, तो रेजिस्टेंस में कैसे चेंज आ गया। तो अगली क्लास में हम वो केसेस लेंगे, लेकिन उससे पहले ये थ्योरी तुम लोग पूरी क्या कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। तो अगली क्लास में इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इसको एक बार तुम लोग अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है।